दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामने आपको जो ट्री है ये बहुत ही अमेजिंग ट्री है। ये सहजने की ट्री है जिसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो ट्री है ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, एक्चुअल में इसकी ये मेन ब्रांच थी, यानी कि मेन ट्री ये थी, लेकिन किसी ने इसको तोड़ दिया। उसके बाद ये इसके नीचे से एक नई ब्रांच निकली और ये बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। आई थिंक ये 2 से 3 साल पुरानी है सिर्फ, और काफी बड़ा ट्री हो गया है। और इसमें जब फर्स्ट टाइम इसमें जो फलियां आई थी, कुछ 2-4 आई थी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ज्यादा आई थी, और इस बार इसमें हर ब्रांच पे जो फलियां हैं अच्छे से आई थी, फ्लोरिंग जो अच्छे से हुई थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा ट्री जो है वो फलियों से भरा है। इवन इनके अंदर जो फलियां हैं वो इतनी ज्यादा आ गई थी कि कुछ ब्रांचें टूट गई इनके वजन के कारण। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ नीचे एक ब्रांच जो टूटी हुई है ये इसके वजन के कारण टूट गई है, और इस पे से जो फलियां हैं और कुछ नीचे फलियां थी वो हमने कलेक्ट कर ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर भी आपको कुछ जो सहजना के ट्री दिखाए थे, लेकिन वो सहजना और ये सहजना बिल्कुल अलग है। इनकी जो फलियां काफी मोटी है और जो वो सहजना था उसकी फलियां पतली थी। इनमें फलियां इतनी आ रही है, पूरी ब्रांच जो है वो भरी हुई है फलियों से, ये देखिए। और इसी कारण ये वजन के कारण जो टूट जाती है, तो इस पे ढेरों सीड्स हैं। मैं एक बार जब सीड्स लेके आया था, मैं एक बार किसान मेला में गया था, वहां पे सीड्स जो है सेल कर रहे थे, वो 10 रुपए के 2 सीड्स दे रहे थे, और अब मेरे पास देखिए कितने सीड्स हैं। हालांकि मैंने वो सीड्स नहीं लिए क्योंकि मेरे पास पहले ही जो प्लांट था इसका, तो मैंने सीड नहीं लिए, लेकिन वो ऐसे ही थे सीड्स जो इसके अंदर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सीड्स। ओके दोस्तों, ये देखिए इसके जो सीड्स हैं इसके अंदर इस तरह से निकलेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो फली है जब ये ड्राई हो जाएगी तब इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं, और इस तरह का इसका सीड आपको मिलेगा। सीड को ग्रो करना भी इजी है, इसका वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो वो नीचे दे दूंगा। लास्ट ईयर हमने इसको ग्रो किया था, कितनी फलियां हैं तो ये हम सीड्स काफी है मेरे पास। कोई अगर मुझसे लेगा तो मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मैं इतने सीड्स का क्या करूंगा, बहुत ज्यादा सीड्स हैं। फली देखिए तो ये कितनी मोटी है, जबकि लास्ट ईयर मैंने जो फलियां आपको दिखाई थी वो बहुत पतली है। यहाँ पे और भी इस तरह के प्लांट है लेकिन उनकी जो फलियां हैं बहुत पतली है, जबकि ये फली काफी मोटी है, आप देख सकते हैं मेरे फिंगर से ही मोटी है। दोस्तों, इनका काफी अच्छा अचार डलता है और ये बहुत ही बेनिफिट है। इस ट्री का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो काम का ना हो। इसको जड़, तना, छाल, पत्तियां, फल, फूल सब इसका काम का है, सारे आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छा है शरीर को खाने के लिए, बहुत अच्छा है। इसके पत्ते का जूस पी सकते हैं, इसकी फलियों का अचार, इसके जो फ्लोर है उसका अचार डाला जा सकता है, इसकी रूट्स है उससे आप काफी मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में जब पहले हमने वीडियो बनाया था तब उसमें मैंने इसके बारे में काफी चीजें बता दी थी, बाकी इसके बारे में बहुत सी बातें, अगर हम सारी बातें इसकी इसके बेनिफिट बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए ये ट्री एक ऐसा ट्री है जिसकी एक भी पार्ट ऐसा नहीं जो काम ना आए, सभी पार्ट आप काम में ले सकते हैं, सभी बेनिफिट है, शरीर के लिए बहुत ही सेहतमंद है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।